शब्द भंडार ग्लॉसरी पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था महारानी लक्ष्मी बाई के अश्व का नाम पवन था राघव मेरा मित्र है कृष्ण मेरा सखा है बच्चों देखा आपने यहाँ शब्द अलग अलग हैं, पर उनका अर्थ एक है इसका मतलब एक ही वस्तु के कई नाम हो सकते हैं। इस प्रकार लगभग एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं आइए कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं: अंधेरा तम अंधकार तमस झंडा ध्वज ध्वजा पताका धरती वसुधा पृथ्वी वसुंधरा नारी स्त्री महिला औरत पेड़ वृक्ष तरु बिरवा चांद चंद्रमा शशि निशाकर पक्षी खग बिहग, पंछी शब्द भंडार ग्लॉसरी विलोम शब्द एंटोनिम्स लता अंदर आउना बाहर क्यों खड़ी हो नहीं आंटी जल्दी जाना है देर हो जाएगी माँ ने आपके लिए मीठे आम भेजे हैं। अरे वाह अगर खट्टे हुए तो देखा बच्चों हम बातचीत करते समय कई बार शब्दों के उल्टे शब्द भी बोल देते हैं जैसे अंदर का उल्टा बाहर जल्दी का उल्टा देर मीठा का उल्टा खट्टा इनसे भी हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है इस प्रकार जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं आइए कुछ अन्य विलोम शब्द पढ़ते हैं अंधकार प्रकाश एक अनेक अच्छा बुरा नवीन प्राचीन आकाश पाताल दाया बाया प्रसन्न अप्रसन्न उतार चढ़ाव गुण दोष मित्र शत्रु शब्द भंडार ग्लॉसरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वर्ड माँ आकाश में कितने तारे हैं? बेटा उनकी गिनती नहीं की जा सकती वे अनगिनत हैं। माँ रोहन मेरे साथ पढ़ता है अच्छा तो रोहन तुम्हारा सहपाठी है बच्चों आपने देखा बात वही है पर माँ ने उसे सुंदर और एक शब्द में स्पष्ट कर दिया जबकि इससे वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया ऐसे शब्दों से भाषा संक्षिप्त चुस्त सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और आसानी से समझ में भी आ जाती है ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाती हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं आइए ऐसे कुछ अन्य शब्द जानते हैं प्रतिदिन होने वाला दैनिक सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक महीने में एक बार होने वाला मासिक वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक स्वदेश में उत्पन्न या बना हुआ देशी शहर में रहने वाला शहरी कपड़े सिलने वाला दर्जी सच बोलने वाला सत्यवादी अभिनय करने वाला अभिनेता अच्छे आचरण वाला सदाचारी